नमस्कार किसान भाइयों, आज हम आ गए हैं अपने फागड़ में जो बसंत कालीन गन्ना हमने जिसकी बुआई की थी 10 तारीख को कर दी थी हमने 10 मार्च को। अब इसमें हमने जो कराया हर्बिसाइड है निचानो कंपनी का जो हमने कराया है डे का किलो और मैट्रिक्स दो दवाई करी थी हमने। अभी 3 दिन खेत को पानी दिए होंगे और जर्मिनेशन दिख रहा है आपको, कहीं कहीं इसमें दिखना शुरू हो गया है जो हमने गन्ने से बोया था उसका जर्मिनेशन। और घास का रंग हल्का हल्का मेरे को पीला सा महसूस इस टाइम पे हो रहा है। ये वैरायटी जो मैं आपको भी दिखा रहा था ये 8436 है, और दूसरी वैरायटी मैं अब आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे ये रही जी, ये 98014 वैरायटी है, थोड़ा दिखा दूं मैं आपको, 98014 वैरायटी है। ये पौधे आपने जो दिखा रखे हैं ये 36 और ये 98014, ये मैंने दोनों जो बोए हैं डबल पेंडा विधि बोए है, दो दो आग का पेंडा बोए हैं। ये मेरे कुछ नए बीज है, दर्शन हो रही है, खेत में जाने में दिक्कत हो रही है इसलिए मैं थोड़ा जा नहीं पाऊंगा। इस तरफ जो है 16231, 13235, 48 कुछ एक अन्य प्रजाति इसमें यहाँ पे हैं, और अगली तरफ मैं 14201 का आपको जमाऊ जरूर दिखा दूंगा। मैंने खेत की बाउंड्री पे जो लिया है 3 साइड में मैंने 98014 हार्ड गन्ना घुमा दिया चारों तरफ थोड़ा थोड़ा करके, ताकि किसी तरह की कोई दिक्कत ना आए, जंगली जानवर का नुकसान कम हो और रोग वगैरह भी ना। ये मेरा 14201 वैरायटी मैंने बो रखी थी वो है ये। अब आपको मैं दिखा देता हूँ, ये लाइन सी चमक रही है, थोड़ा जूम में करके ये वहीं तक चमक रही है। जमाव काफ़ी अच्छा आ रहा है। ये 14201 CUL के लखनऊ की वैरायटी है। इस वैरायटी से मैं उम्मीद करता हूँ शायद कुछ अच्छा ही मेरे को प्रोडक्शन दिए। जमाव इसमें ठीक हो गया, अभी 50% ही जमाव उसमें पूरा हुआ है। कुछ लाइनें तो पूरी बहुत अच्छी दूर तक दिख रही है, जिसको बोल देते हैं काफ़ी दूर तक मेरे को लाइनें दिख रही हैं। ये आधा हेक्टेयर का मेरा नंबर है। इधर बाहर की तरफ जो मैंने बो रखा है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये 14 है जी, 98014 डबल पेंडा विधि। ये पौधे आपने जो दिख रहे हैं 98014 के हैं। ये बाउंड्री पे लगाने की वजह यही है, दोनों तरफ ये 2 खुड़ दिए हैं मैंने यहाँ पे, अगर बांधना पड़ गया तो देखते हैं फिर, ऐसे मिट्टी ट्रैक्टर से चढ़वानी है और नुकसान ना हो, डोड़ पुख जानवर कूद के ना आए, इस वजह से मैंने इसकी व्यवस्था की है। वैसे एक अब इसमें चमकना अच्छा शुरू होगा, 50% जर्मिनेशन है, पर यह भी काफ़ी अच्छा संतोषजनक दिख रहा है। घास भी हल्का सा पीला पड़ गया है, दवाई अपना काम पूरा करेगी। और अभी एक पानी और दोस्तों इसको लगना है, इसका पूरा कोर्स ये है कि दो पानी जो आप दोगे खेत को उसकी 2 एप्लीकेशन पानी की आपकी आएगी, उसके बाद में आपका ये घास समूल नष्ट हो जाएगा, मुत्था नाम की कोई चीज़ नहीं थी। और एक प्लस पॉइंट ये है कि मक्का में भी आपके खेत में अगर मक्का वगैरह भी आपने बो रखी है तो ये दवाई फिर भी आप कर सकते हैं, मक्का पर कोई किसी तरह का साइड इफेक्ट इस दवाई का नहीं है, ठीक है दोस्तों, तो मज़े में कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये छोटी सी वीडियो थी, कर आशा करता हूँ आपको वीडियो वैसे पसंद आई होगी। कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि इसी तरह की कुछ टेक्निकल वीडियो आपको मिलती रहे, ताकि आप कोई ना कोई कृषि लाभ उठाते रहे। और दोस्तों बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूले ऑल पे, ताकि आपको सभी वीडियो के नोटिफिकेशन समय से मिलते रहे। नमस्कार दोस्तों।